बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताल के असम हुसना में से चौदवें नंबर के नाम पर और वह अलमसविरु अल अलमुसविरु का माना है है कि वो तस्वीर बनाने वाला शक्ल सूरत बनाने वाला तो मुशविर जो ये अल्लाह तबारक वताल का नाम है और कुरान करीम में एक मरतबा ये आया सुरद हाशर के अंदर ख़ालकबारमलास्समा उल्स्ना तो गए कि वहाँ एक मरतबा इसका कुरान में जिक्र आया और इसकी आदत जो है तीन सौ छत्तीस है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ये इसकी आदाद हैं और इसका मुफरत आदत जो है वो बारह है बारह मुफरत आदत बनता है और बौद्ध बाबरकत नाम है जहाँ तक कि फजायल फ़वायद का तल्लक है इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर कोई औरत तो बांझ है बाँझ मतलब डॉक्टरों ने कह दिया औलाद नहीं हो सकती आपको तो कोई ऐसी कम कम्प्लिकेशन्स दें तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है कि वो और खुद ही अमल करे या कुछ दूसरा करे वो ये कि सात रोजे रखे मतलब तो ख़ातून सात रोजे रखे और रोज़ाना इफ़ार जो है वो पानी से इफ़ार करे और इफ़ार करने के बाद जब वो इक्कीस मरतबा इक्कीस मरतबा ये इसका विरद करे या मशविरु या मसविरु इक्कीस मरतबा विरद करके अपने आप पर दम कर ले एक तरीका ये दूसरा तरीका ये है कि वो सात रोज़े रखे या कोई दूसरा आदमी आमिल है वो सात रोज़े रखे और रोज़ाना जो है वह इफ्तार से पहले थोड़े से पानी के ऊपर इक्कीस मरतबा या मुशव पढ़ के दम कर दे और वह पानी उस बाँ जोत को दे दे वह पानी पी लें तो सात दिन का ये प्रोसेस है बहुत ज़बरदस्त तासीर है अल्लाह तबारक वार उसका बांझपन ख़त्म कर देते हैं और वो सब औलाद हो जाएगी सुबह जो भी कम्प्लिकेशन अंदर हैं तबी तौर पर वो भी तो फ़िक्स हो जाएंगे और अल्लाह उसको जो औलाद से मालामाल करते हैं और दूसरा फायदा ये कि अगर किसी की औलाद हो नहीं रही या वो चाहता है कि वो बेटा पैदा हो उसके लिए है कि अपनी बीवी के पास जाने से पहले सात मरतबा इसका विरद कर ले या मुशविर या मुशविर का विद करे फिर जो उसके पास जाए अल्लाह तबारक व तारा हमल अता करते हैं और बेटा अता करते हैं इसका दूसरा फायदा और तीसरा एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा इसका ये कि इससे ये कि अगर कोई शख्स चाहता है कि लोग मेरे दोस्त बने मैं लोगों को दोस्त बनूँ या ऑफ़िस जाता हूँ ऑफ़िस के अंदर जो है वो दोस्ताना माहौल हो सब मुझसे मोहब्बत करें मैं सबसे से करूँ तो ये अगर चाहता है तो वो जब भी वज़ू करे नमाज़ का वज़ू करने के बाद जब फारिग हो तो अपनी शहादत की उंगली से अपने माते पर अलमसविरु लिखे अच्छा हाँ अलमुसवरी से बात के ऊपर लिखें बस ये कर लिया करे इन शहाँ भी जाएगा वो इसके दोस्त बन जाएंगे इसमें ज़बरदस्त तासीर है और एक इसका फ़ायदा यह है कि काम आसान हो जाते हैं अगर किसी के काम मुश्किल हैं अटक रहे हैं काम होते नहीं हैं या कोई शख्स जो काम करता है बल्कि मुकम्मल होने लगता है काम ख़राब हो जाता है तो परेशान रहता है तो उसके लिए ये ये शख्स जो है या तो अपने नाम के अदद के एतबार से पढ़े जितने उसके नाम के अदर बनते हैं उसका तरीका हम बता चुके हैं और यह कि खुद इसके अदद तीन सौ छत्तीस हैं तो तीन सौ छत्तीस मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज की बाद और फिर रोज़ाना फिर उसी नमाज के बाद ही पढ़े तो तीन सौ छत्तीस दफ़ा पढ़े अला के ग्यारह मरतब इब्राहिमी और यह सेवनटी वन डेज़ की नीयत से शुरू कर ले इन शाम कभी ख़राब नहीं होंगे और जो काम शुरू करेगा वो पाए तक तक पहुँचेगा इसका फ़ायदा और एक फ़ायदा ये कि एक शख्स चाहता है कि मेरे मेरी जॉब के अंदर प्रमोशन हो मुशे माहौल में मेरी इज्जत हो लोग इज्जत की निगाह से देखें मरतबा मेरा बढ़े तो ये जो चाहता है उसके लिए इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि उसमें भी ये जो है या मशविरु जब भी पानी पिए जब भी पानी पिए तो बारह मरतबा या मशविरु पढ़ के उसके ऊपर दम करके पिया करें अच्छा बस तो अल्लाह तबारक वाल आटोमेटिकली ऐसे अहवाल पैदा करते रहेंगे कि ये अपने माहौल मुआरे में मज़दूर होता जाएगा ख़ास तौर पर जिस माहौल में किसी जॉब में उसको इज्जत मिलेगी उसके बॉस भी इज्जत से देखेंगे छोटे भी देखेंगे इसकी इज्जत में इजाफा होगा कि हर पीने की चीज़ पर पानी हो या कोई भी पीने की चीज़ उस पर बारह मरतबा या मसवुर दम किया इससे जो उसके इज्जत मरतबे में इजाफा होता जाएगा ये इसके फवाद और जहाँ तक इसके ख़्वाब ताबीर का ताल्लुक है तो ख्वाब में अगर ये लिखा हुआ देखा या खुद पढ़ा या सुना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताल इसकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे ज़िंदगी इसकी मुश्किल का अगर शिकार है या इसकी कुछ चाहतें जो पूरी नहीं हो पा रही तो वो दिन मुरादें पूरी हो जाएंगी और ज़िंदगी इसकी आसान हो जाएगी एक इसका मतलब ये और दूसरा मतलब ये है कि अगर ख़्वाब में इसके ने देखा और सुना इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक वाले जो है इसके कामों में ऐसी खूबसूरती पैदा करेंगे जो भी काम करेंगे वो इतना खूबसूरत होगा कि हर तरफ से लोग उस काम की तारीफ भी करेंगे और ये शख्स जो है लोगों का हर दिल हर दिल अजीज़ बन जाएगा ये इसके अंदर ये फ़ायदा है तो ये जो गोहे कि बशारत है तो ख़्वाब के अंदर और इसके ये अजीब वरीब हैं हज़रत बहुत खूब आपने आज एक चीज़ ऐसी बताई जो कि हर दिल अजीज होने का फार्मूला बता दिया आपने और बड़ा आसान फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल आसान और ये ख्वाहिश है लोगों की चाहे वो अपने दिल से जबान से ये बात कहें या ना कहें लेकिन हर एक की ये ख्वाहिश है कि उस की पजीराई हो तो ये ये। दफ्तर के अंदर और जहाँ वो काम करता हो अपने बॉसेस के दरमियान या अपनी फैमिली या दोस्तों के दरमियान तो ये तो ख्वाहिश है आम ख्वाहिश फित्री ख्वाहिश है और, और आपने इसका हल्दी दिया और फिर बड़ी बात आपने की वो बच्चों वाली पैदाइश की बात की वो तो वो भी बहुत लोगों की जरूरत है और ये आप कई दफ़ा बता चुके हैं लेकिन इस दफा आपने नई चीज़ बताई है तो जिसको उन चीज़ों से फायदा नहीं है वो ये करें सुबह बहुत मजा आया